हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हों। सो दोस्तों, आज मैं आपके साथ बालों की एक ऐसी रेमेडी शेयर करने जा रही हूँ जिसको इस्तेमाल करने के बाद आप अपने बालों की जो सबसे मेन प्रॉब्लम है, आपके बालों का झड़ना टूटना बहुत ज़्यादा हो रहा है, हेयर फॉल, हेयर लॉस हो रहे हैं, या आपके बालों की ग्रोथ बिल्कुल स्टॉप हो गई है, बढ़ नहीं रही है आगे, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी सिर्फ इसे इस्तेमाल करने के बाद। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस रेमेडी को बनाना। सो दोस्तों, अगर आप नारियल के तेल में सिर्फ दो चीज़ों को मिला करके अपने बालों में लगाती हैं तो आपके बालों का झड़ना टूटना बिल्कुल बंद हो जाएगा, बालों की ग्रोथ तेज़ी से होगी, आपके बाल मजबूत होंगे, स्ट्रांग होंगे और लंबे घने होंगे। नारियल तेल में विटामिन ई की मात्रा बहुत ज़्यादा उच्च पाई जाती है, इसके पोषण तत्व बहुत ज़्यादा हाई होते हैं जो कि आपके बालों को बहुत ज़्यादा नरिश करते हैं, आपके बालों को नेचुरल काला भी बनाते हैं, बालों का झड़ना टूटना कम करते हैं, बालों की लंबाई को बढ़ाते हैं। तो इसमें हमें कौन से ऑयल ऐड करने हैं जिससे कि हम अपने बालों को लंबा कर सकते हैं, घना कर सकें और बालों की चीज़ों को, जो भी बालों की समस्याएं हैं उन्हें हम दूर कर सकें। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एक क्लीन बोल लेना है एंड इसके बाद आपको इसमें ऑयल ऐड करना है। तो 3 चम्मच के करीब आपको यहाँ पे कोकोनट ऑयल लेना है। तीन चम्मच कोकोनट ऑयल ऐड करने के बाद आपको इसमें 1 चम्मच कैस्टर ऑयल यानी कि अरंडी का तेल मिक्स करना है। अरंडी का तेल हमारे बालों के लिए वरदान है, हमारे बालों के जो नेचुरल स्ट्रेंथ होती है उसको बनाए रखने में, हमारे बालों को बहुत ज़्यादा मजबूती स्ट्रांग बनाए रखने के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। अरंडी का तेल अगर आप अपने बालों में लगाते हैं तो आपके बालों की लंबाई भी बढ़ती है और बाल लंबे काले घने भी होते हैं। लेकिन अरंडी का तेल की जो कंसिस्टेंसी होती है वो काफ़ी थिक होती है, इसलिए इसे कभी भी डायरेक्ट इस्तेमाल ना करें बालों में, हमेशा इसे किसी अनदर ऑयल के साथ डायल्यूट करके ही इस्तेमाल करें। तो 1 चम्मच मैंने यहाँ पे लिया है कैस्टर ऑयल, अरंडी का तेल। इसके साथ आपको यहाँ पे मिक्स करना है एक और ऑयल जो हमारे बालों के लिए और भी ज़्यादा बेनिफिशियल होती है, और जब हम इन ऑयल के साथ उसका इस्तेमाल करते हैं तो हमें उसका फ़ायदा और ज़्यादा बढ़ के मिलता है। तो आपको यहाँ पे ऐड करना है विटामिन ई की 2 कैप्सूल। इसके बाद इन तीनों चीज़ों को, ऑयल को आपको अच्छे से मिक्स कर देना है। आपको इसे गरम नहीं करना है, अगर आप थोड़ा सा इसे गुनगुना करना चाहते हैं तो इसे ढक करके सनलाइट में रखें, और इसके बाद आपको इसे अपने स्कैल्प में, बालों की लंबाई में पूरे अच्छे से आपको मसाज करना है, इसे लगाना है। अगर आप इस ऑयल का इस्तेमाल रात में करती हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, आपको पता होगा कि हमारे बाल सबसे ज़्यादा रात में ही बढ़ते हैं, तेज़ी से बालों की ग्रोथ जो होती है वो रात में सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए ऑयल को भी हमेशा रात में ही मसाज करें, इसे अप्लाई करें अपने बालों में और सो जाएं। बालों में अप्लाई करने के बाद आपको ढीली सी चोटी बनानी है या ढीला सा ऐसे ही कोई बैंड अपने बालों में लगा लें, बालों को कस करके ना बांधें, इससे बाल ज़्यादा उलझते हैं, टूटते हैं और जड़ से कमज़ोर होते हैं। तो आपको इसे सप्ताह में 2 बार इस्तेमाल करना है। अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं अपने बालों के झड़ने टूटने से, या बालों की ग्रोथ जो है अचानक से रुक गई है, बाल बहुत ज़्यादा पतले हैं और आप अपने बालों को दूसरों की तरह लंबा घना बनाना चाहती हैं, नेचुरल बालों में चमक
आप शाइन चाहती हैं अपने बालों में, एक चमक रहे, लंबे काले घने बाल हर किसी को पसंद होते हैं, चाहे लड़की हो चाहे औरत हो, सभी को लंबे काले बाल बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और बालों का झड़ना टूटना एक तरीके से आपको डिसअपॉइंट करता है और आप बहुत ज़्यादा इससे स्ट्रेस भी फील करते हैं। तो अपने बालों की लंबाई को बढ़ाइए इसका इस्तेमाल करके, क्योंकि ये 100% नेचुरल है और डॉक्टरों ने भी इसे माना है कि इस ऑयल का इस्तेमाल करके आप अपने बालों को लंबा कर सकती हैं, बालों को घना कर सकती हैं, बालों के झड़ने टूटने की समस्या को बिल्कुल ख़त्म कर सकती हैं। सो उम्मीद करती हूँ आज की रेमेडी आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहे। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए फिर से मिलते हैं एक अनदर वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए।